हम लोगों के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, चाय वाय यही मिल जाती है, मगर चाय नहीं मिलती। क्या मिलता? कॉफी मिलती। चाय भी मिलेगी, चाय चाय की व्यवस्था हो जाएगी। व्यवस्था तो आपने चाय के लिए की थी। ऑर्डर हो गया? व्यवस्था तो आपने चाय के लिए की थी, प्रबंधन आपने कर दिया कॉफी का। नहीं नहीं कॉल उसने, नहीं कॉफी और चाय दोनों मिलेंगी। अरे बैठो ना तुम, आप लखनऊ वाले पी के आया करें, बाकी लोग पानी भी नहीं है। बताइए रिजवी साहब, पानी भी नहीं? हाँ ठीक है, पानी भी, पानी की व्यवस्था कराएंगे दोनों। सर आप सब तो पानी भी अभी देखें, मार्शल अभी जाकर देखें। जितना काम सर आपने किया है विधानसभा में सुधार का, उल्लेखनीय, पूरी दुनिया देख रही और आपकी जितनी प्रशंसा किया जा सकता है, मगर एक दो सुझाव हमारा है, इसमें भी आप काम करा दें। आप पार्लियामेंट के तर्ज पर सारी व्यवस्था कर रहे हैं, आपकी कैंटीन की व्यवस्था बहुत ही रद्दी और चर्चित है, वहाँ न तो टोस्ट मिलता है, न तो पावरोटी मिलती है, न मक्खन मिलता है, हम लोग शाम को जाते हैं कुछ नहीं मिलता, और जो खाने का है साहब इतना रद्दी खाना हमने दुनिया में कहीं। मैं आज दोपहर को आपके साथ खाऊंगा, इससे बढ़िया तो वो निगम वाले चलाते। चलिए मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ इसके लिए, और दूसरा ये आवश्यक निर्देश भी दूंगा, खुद चेक करूंगा। दूसरा सुधार सर, जैसे पार्लियामेंट में विधायक का एमपीओ का एक प्रकोष्ठ होता है, जहाँ सारे एमपी चिट्ठी देते हैं, वो सर्कुलेट हो जाती है। यहाँ पटल पर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ है पटल पर व्यवस्था दीजिए, पटल पर दीजिए, मैं व्यवस्था कर दूंगा। पटल पर सारी चिट्ठी दे दीजिए, आप दे दोगे मैं व्यवस्था कर दूंगा, एक अलग से बैठा दूंगा। हाँ तो यहाँ सारे विधायक देते हो, यहाँ सर्कुलेट? हाँ मैं करवा दूंगा। हाँ यही सर, इसको करवा देंगे प्रमुख सचिव, वहाँ पर एक पटल पर व्यवस्था करेंगे, जो माननीय विधायक लोग किसी भी विभाग का जो पत्र देते हैं, वहाँ से पत्र चढ़कर और वहाँ से रिसीव होकर इनको सूचना मिलेगी, हो जाएगा। चाह रहा हूँ मेरे माध्यम से किसको कहना चाहते हो? माननीय अध्यक्ष जी बड़ी दिक्कत, किसको कह रहे हो? आप मान